खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने लायक है, मी टू कंपेन के ऊपर पिक्चर बनाई है, डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है। अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा ने वकील का रोल किया है, बहुत ही उम्दा तरीके से रोल को जजमेंट दिया है। स्टोरी तो क्या है, ये तो एक आर्टिकल है, सेक्शन है, और वो देश के कानून के अंतर्गत है। अब हाई प्रोफाइल जो केस होता है वो किस तरह होता है और किस तरह उसमें वकील लोग उसको बदलते हैं वो सब बताया है। इस टाइप की मूवी बननी चाहिए, लेकिन अभी मी टू कंपेन बंद हो गया पूरा, पहले बहुत चला था, अभी तो नाम मात्र का भी नहीं है। इसमें इस तरह के फिल्मों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन इसमें दिखाया कि पांच में से दो केस ही आते हैं, तीन तो चुपचाप दब जाते हैं। उसका मेन कारण कि जो बोलना पड़ता है लड़की को, विक्टिम को, वो पहले पुलिस में बोलना पड़ता है, फिर फॉरेंसिक साइंस में बोलना पड़ता है, फिर कोर्ट में बोलना पड़ता है, फिर डिफेंस होता है, फिर हाई कोर्ट में होता है, लगातार वो बोल 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 के थक जाती है, टूट जाती है। जो सच्ची विक्टिम है वो तो फंस जाती है कि ये मैंने क्या किया। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, उम्दा डायरेक्शन है एकदम। स्टार तो देखिए कॉमर्शियली तो 3-3.5 स्टार ही बनते हैं, क्योंकि सबको ये पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कोई नाच गाना या लव स्टोरी या बड़े स्टार या इंटरटेनमेंट बोल के नहीं है। अब देखनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट होता है कि कोर्ट रूम में क्या होता है और ओरिजिनली क्या होता है, उसमें बहुत फर्क है। पिक्चर वाकई में बहुत अच्छी है। अक्षय खन्ना और मतलब ऋचा चड्ढा का काम बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने मतलब पूरी सिंसियरिटी के साथ काम किया है, और जो आपने सुना होगा बॉलीवुड में जो मीटू मूवमेंट हुआ था, पिक्चर बहुत ही अच्छी है। अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और ये मीटू मूवमेंट के ऊपर बेस्ड पिक्चर है, और जो लड़कियों के साथ रेप वगैरह हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए मतलब बहुत ही गलत बात है, तो जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में फाइट किया और एक मतलब जस्टिस दिलाने की कोशिश की उस लड़की को, तो मेरे ख्याल से 5 out of 5, और पिक्चर बहुत ही मूवी अच्छी है और आप सभी को देखनी चाहिए। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप सभी को देखनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर सीखने के लिए मिला। थैंक यू। बढ़िया लगी, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इंडस्ट्री, मैं भी उसका पार्ट हूँ, और ऐसी फिल्में बन रही है। एक तरफ ड्रीम गर्ल है, वो बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट थी, और ये एक तरफ से दूसरी, दोनों फिल्मों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों फिल्मों पर बेस्ट है। इस फिल्म में क्या है कि बहुत जैसे आर्टिकल 15 आई थी उस तरह से इसमें एक रेप की और 375 जो आर्टिकल है उसको हाईलाइट किया गया, और बहुत बढ़िया से डायरेक्टर ने उसको किया है, कुछ थोपने की कोशिश नहीं की है, और स्क्रीन प्ले अच्छा है। अक्षय खन्ना का कम बैक ज़बरदस्त है, और अक्षय खन्ना शुरू से एक ब्रिलियंट एक्टर थे, बट उस वक्त उस तरह का सिनेमा नहीं बनता था। मुझे लगता है उनका ये राइट टाइम है अक्षय खन्ना का, क्योंकि इस वक्त इस तरह का फिल्में आ रही है जिसमें अक्षय खन्ना कोई नाचने कूदने वाले हीरो नहीं है, अक्षय खन्ना एक एक्टर, तो वो उनकी इसमें परफॉर्मेंस देखते हैं, और फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही है, वो जब जब स्क्रीन पे आते हैं कुछ नहीं। और ऋचा चड्ढा ने बहुत अच्छा काम किया है, मीरा चोपड़ा का भी स्क्रीन पे बहुत अच्छा है, उन्होंने अपने रोल को कोई निभाया, और टोटल कंप्लीट एक बहुत अच्छी फिल्म है, एक्शन भी अच्छा है, और अगर आप इंटरटेनमेंट से हटके कुछ अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए फिल्म है। मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया, अगर 100 में से कहूँ तो 75% उसको दूंगा। ठीक लगी पिक्चर,
अच्छी है, मतलब फॉर ए चेंज कॉमेडी नहीं है, एक्शन नहीं है, फॉर ए डिफरेंट स्टोरी है, जिसको डिफरेंट स्टोरी चाहिए तो अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस ठीक है, कोई ख़राब नहीं है सर, दोनों ने सलाह जस्टिफाई किया रोल को, मतलब वही है ना, सिंपल लॉयर है, कोर्ट सीन से ज़्यादा, तो यू एंजॉयिंग इट। मैसेज ऑडियंस के लिए तो नहीं है, पर रेप विक्टिम के लिए है, तो रेप के ऊपर जो बताया गया है कैसे लॉस है क्या है, जो आर्गुमेंट्स दिखाए गए वो है डिफरेंट। ओवरऑल आपको मूवी कैसी लगी? ठीक है, अच्छी लगी, यू कैन सिट थ्रू।